हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड को कैसे फॉरगेट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट करके बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, IRCTC एप्लीकेशन का यूज़र आईडी और पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है। चलिए मैं IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपको ओके करना है और यहाँ पर मेरा IRCTC एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट पासवर्ड। दोस्तों, अगर आपको फॉरगेट यूजर नेम करना है तो आपको यूजर नेम पर टैप करना है, और पासवर्ड फॉरगेट करना है तो आपको पासवर्ड पर टैप करना है। तो मैं आपको बारी बारी से पहले मैं यूज़र नेम को फॉरगेट करके बताऊंगा और फिर मैं आपको पासवर्ड को फॉरगेट करके बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे दोनों पता नहीं है कि मेरा जो यूज़र नेम है वो क्या है और मेरा पासवर्ड क्या है। तो मैं यूज़र नेम पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। दोस्तों, आपका यूज़र नेम फॉरगेट करने के लिए सबसे पहले यहां पर जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो यहां पे टाइप करना है। उसके बाद यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं टाइप कर देता हूँ अपना ईमेल आईडी, जो मैंने जब आईडी बनाया था तो उस टाइम मैंने ईमेल आईडी डाला था, वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करके और सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने अपना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया है, मैंने कैप्चा भी यहां पर टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ओके करना है। दोस्तों, यहां पर मेरा ईमेल आईडी मैंने सबमिट किया था, उस पर मेरा यूज़र आईडी सेंड हो गया होगा। तो मैं अपना यूज़र आईडी चेक कर लेता हूँ अपने मेल पर, जो मेल मैंने अभी टाइप किया था। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ और अपना मैं जीमेल ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी आ चुका है। मैं यहाँ से यूज़र आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से ओपन करता हूँ IRCTC एप्लीकेशन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब पासवर्ड फॉरगेट करना है। दोस्तों, पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है पासवर्ड पर, और यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डाल देना है, जो मैंने अभी कॉपी किया था, जो यूज़र नेम ईमेल आईडी पे सेंड किया गया था उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करना है अपना, और कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल दिया है, उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं कैप्चा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूज़र नेम और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल दिया है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर था मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा, तो आपको यहां पर ओके करना है, और यहां पर आपको पहले OTP सबमिट करना है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ OTP। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले OTP टाइप करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है, यहाँ पर कन्फर्म करना है, फिर यहाँ पर कैप्चा डाल के और सबमिट कर देना है। तो मैं सबसे पहले OTP डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने OTP टाइप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड सेट करना है। दोस्तों, पासवर्ड आपको सेट करने के लिए आपको अपने नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्मॉल टाइप कर देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं कैप्चा टाइप कर देता हूँ और चेक करके देखता हूँ कि ये जो मैंने पासवर्ड लगाया है ये वैलिड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ कीप योर पासवर्ड सेफ फॉर फ्यूचर यूज। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। दोस्तों, आपने देख लिया कि मैंने किस प्रकार से अपना पासवर्ड सेट किया है। दोस्तों, आपको अपने नाम का जो पहला दो लेटर है उसको कैपिटल रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा स्मॉल टाइप कर देना है। उसके बाद आपको कोई डिजिट ऐड कर देना है। दोस्तों, ओके करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम जो मेल पे आया था वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ यूज़र नेम। उसके बाद दोस्तों अभी जो मैंने पासवर्ड सेट किया है उसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस ओपन होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे।
दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। दोस्तों यहां पर आपको एक पिन सेट करना है, तो दोस्तों मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं 3636। दोस्तों आपको 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है, मैंने यहां पर टाइप कर दिया है 3636। उसके बाद मैं फिर से वही टाइप कर देता हूं 3636। दोस्तों यहां पर आपको कंफर्म करना होता है, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सबमिट कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आपको फ्यूचर यूज के लिए इसको याद रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और मेरा ID लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा ID यहां पर लॉगिन हो चुका है। मैं अपना अकाउंट यहां पर क्लिक करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा ID यहां पर लॉगिन हो चुका है। इस प्रकार से आप IRCTC एप्लीकेशन का यूज़र ID और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।